सिरोंज तहसील के दीपनाखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम मोहनपुर में महिला के परिवारजनों द्वारा मारपीट के बाद हुई मौत। इलाज के दौरान अशोकनगर में महिला ने रविवार सुबह दम तोड़ा। मृतक पार्वती बाई आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में करती थी काम। सिरोंज तहसील के दीपनाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर में रहने वाले एक परिवार के सदस्यों ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। परिवार के सदस्यों का कहना है कि शनिवार को उनकी बेटी पार्वती बाई के साथ उनके देवर और उनके बच्चों द्वारा लात घूसों से मारपीट की गई थी। घायल अवस्था में महिला को अशोकनगर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद मायके पक्ष के लोग भी मौके पर आए, लेकिन उन्होंने महिला का अंतिम संस्कार नहीं किया। वह कलेक्ट्रेट रोड आए, कलेक्टर से शिकायत की, आरोपी परिवार पर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी बेटी पार्वती आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में काम करती थी, वहीं उनकी देवरानी को उसके स्थान पर काम करने की जद्दोजहद लंबे समय से परिवार के सदस्य कर रहे थे, इसी बात को लेकर मारपीट की गई थी। मामला कुछ नहीं सर, हमारे उत्तर दीपनाखेड़ा गए थे, वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी है, उधर समझाए ना, जहाँ सुनवाई हो रही हमारी है, कल की बोल रहे हैं वो। क्या विवाद क्या हुआ था, किसकी शिकायत करने आई है? हमें आंगनबाड़ी की वजह से हमारी दीदी मारी मेली चली गई, उसके लिए आए हैं। क्या नाम था दीदी का? पार्वती। कितनी उम्र थी उनकी? 40 साल। कितने साल पहले शादी हुई थी? 20-22 साल हुए। तो क्या आपको, आपसे कुछ दीदी आपसे कुछ बात आती नहीं, आपको क्या व्यवहार चल रहा था? व्यवहार भी यही बोलती थी, घर वाले मुँह से लड़ रहे हैं, भाभी कहना मुँह से कह रहे हैं नौकरी नहीं करन दे रहा तेरा, तेरी नौकरी आंगनवाड़ी सहायिका मैडम। तो कौन चाहता था उनको आंगनवाड़ी में और नौकरी करवाना? बे उनकी घर वाली माने करती थी कहना तो हटवाएंगे और हमारी भाभी लगवाएंगे। कौन थे वो उनके? उनके जेठ हैं और उनका भतीजा दा बेटा है। अपर्णा सिंह। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सालपुर शासकीय माध्यम विद्यालय सालपुर। कौन सी कक्षा में पढ़ते बेटा? 6 छठी। बेटा आज आप किसकी शिकायत करने आई यहाँ पर, क्या हुआ आपके साथ? शनिवार था 29 तारीख को मेरी मम्मी नाना खां से आई थी, नानी खां से, तभी वो घर गई थी, इधर काम से आई थी, तब घर को ने घर वाले ने उनको मारा था। घर वाले कौन कौन थे बेटा? घर वाले सब लोग कुल 9 जने थे। कौन कौन नाम बताए उनके बेटा? नारायण, ज्वाल, आधार, लल्लू, गंगाराम, राहुल, नीलेश, राजकुमार, ब्रजेश। कौन है बेटा आपकी? जी मतलब 5 तो हमारे चाचा और ताऊ हैं और वो उनके लड़के हैं, उनने मिलकर मारा। शनिवार को कितने बजे घटना थी बेटे? शाम को। आपकी मम्मी थी? हाँ। फिर आपने किसको बताया? हम तो कोई नहीं था वहाँ। आपके सामने मारा था? हाँ। कैसे मारा था बेटा? लात और घूसों से मार रहे थे। सरदार सिंह जी कहाँ रहते हैं आप? हारू फेरे। आप कहाँ काय के लिए आए विदिशा? विदिशा काय के लिए आए? विदिशा जी के लिए आए सर, कि हमारी बच्ची खत्म हो गई, लल्लू ने और ने, गंगाराम ने, ज्वाल ने, आदान ने, इनने लात घूसों से मारी है, उस खत्म हो गई, तो उसका हमें निर्णय होना चाहिए कुछ। अभी उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। अभी कहाँ है बच्ची, मृत अवस्था में कहाँ है आपकी बच्ची? मोहनपुर है। मोहनपुर में? मोहनपुर में कहाँ पे है? उनके घर पे है। उनके घर पे? हाँ। जब संस्कार नहीं किया? अभी नहीं किया। अभी यहाँ पे आए थे क्या आसपास मिला कलेक्टर एसपी के पास आके आप? वे तो कल की बोल रहे हैं। कल की बोल रहे हैं? तो क्या वजह क्या रही मारने की, क्यों मारा वो? मतलब बाकी का नाम आंगनवाड़ी थी, गंगाराम, गंगाराम के लड़का है, उसकी बहू है, वे पहल से कह रहे हैं कि इसकी नौकरी हट जाए, हमारी बहू की नौकरी लग जाए, इसी बात को लेकर बस जी, इसी बात पे झगड़ा हुआ है इनका।